हैप्पी दिवाली मेरे भाइयों और दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल वेयर फॉर मेन के बारे में। पर अगर आपको ट्रेडिशनल वेयर पहनकर एकदम हैंडसम दिखना है, एकदम सेक्सी दिखना है ना, तो उसका भी एक तरीका रहता है, उसके भी कुछ सीक्रेट्स रहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू रॉक दैट लुक ब्रदर। भाइयों, टिप स्टार्ट करने से पहले मेरे को तो आपको यही कहना है कि यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए अपने कपड़ों पर। अगर आप 500 रुपए का भी खर्चा करेंगे ना कुर्ते पर, तो भी आप सेक्सी दिखोगे। कुर्ते पजामे और इंडियन क्लोथ एक ऐसी चीज होती है जिस पर आप 500 रुपए के कुर्ते पहन के भी सेक्सी दिख सकते हो और 25,000 रुपए के कपड़े भी पहन के सेक्सी दिख सकते हो। ये है उनकी मैजिक। तो इस वीडियो में ना मैं आपको मेरे सारे एथनिक वेयर के टिप्स देने वाला हूं, स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1। कुर्ते पहनकर अगर आपको सेक्सी दिखना है ना, तो वीनेक से दूर रहो, नो वीनेक्स। कुर्ते होते हैं एक फॉर्मल ड्रेसिंग आइटम, इंडियन ड्रेसिंग भी फॉर्मल होती है, और वीनेक्स होते हैं कैजुअल ड्रेसिंग। और वीनेक्स ना अगर आपको पहननी है तो बस इतनी डीप होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार की वीनेक है। ये कुर्ते को देख लो, ऐसी होनी चाहिए आपकी वीनेक। भाई अगर आप एक ऐसा कुर्ता पहन रहे हो ना जो आपके पेट तक पहुंचता है, आपके गोगी बटन तक पहुंचता है, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा। प्लीज पहले तो उससे दूर रहिए। गोगी बटन माने के आपकी पेट का छेद। दूसरा नॉन गोगी बटन टिप बहुत ही सिंपल है। अगर आप कुर्ता पहन रहे हो ना, तब उस पर ज्यादा चमक नहीं होनी चाहिए, चमकीले चीजें नहीं होनी चाहिए और शीशे नहीं होने चाहिए। ये होती है फेमिनिन इंडियन ड्रेसिंग। लड़कियां ऐसी चीजें पहनती हैं उनके खुद के कुर्ते पर। पर अगर आप एक मर्द हो ना, आपको बिल्कुल शाइनी कुर्ते, ऐसे ग्लिटरी कुर्ते नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, आप में और मुझ में ना ही गोविंदा का स्वैग है, ना करण जौहर का स्वैग है, ना रणवीर सिंह का स्वैग है। अगर आपको किसी को एम्यूलेट करना, किसी की ड्रेसिंग कॉपी करनी है ना, तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए? आपके भाई रणवीर को। दोस्तों, तीसरा टिप है ये, 3 color मैक्सिमम फॉर कुर्तास। अगर आप एक टी शर्ट पहन रहे हो, यू शुडेंट वेयर मोर देन 2 colors। अगर आप एक कुर्ता पहन रहे हो, यू शुडेंट वेयर मोर देन 3 colors। एंड इफ यू कैन कीप इट टू 2 colors, दैट्स ऑल्सो ओके। इसका मतलब है कि ये कुर्ता देख लो, यहाँ बेस कलर है येलो पीला और सेकेंडरी कलर है ब्राउन चॉकलेटी। The brown brings out the base color. वो होता है 2 color maximum for kurtas. पर अगर आपको थोड़ा swag वाला कुर्ता पहनना है ना, then you can follow 3 color maximum rule like this. This is a blue कुर्ता जहाँ pattern है brown और थोड़ा सा white भी है pattern पर, to bring out both the blue and the brown. 3 color है, बहुत ही swag वाला कुर्ता है, पर इससे ज्यादा color ना नहीं पहनने चाहिए। अगर आप एक ऐसा कुर्ता पहन रहे हो जहाँ तोते जैसे दिख रहे हो ना, इंडियन तोता नहीं, ब्राजीलियन तोता, वो एकदम पागलों जैसा तोता ना, वो वाला तोता, अगर आप उसके जैसे कलर पहन रहे हो ना, तो प्लीज डियर बाइसेप्स हिंदी देखना बंद करो और दूसरे चैनल देखने जाओ। अगला टिप है बहुत ही बेसिक, ये देखो, कुर्ते में ना मैं असली मर्द दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा है खुद का फिजीक, और फिजीक को भी मैं शो ऑफ कर सकता हूँ कुर्ते की बदौलत। अगर आप एक पतले बंदे हो या फिट बंदे हो बिल्कुल मेरे जैसे, तब आपके कुर्ते होने चाहिए थोड़े से टाइट, जहाँ आपके शोल्डर्स भी अच्छे दिखे, आपकी चेस्ट भी अच्छी दिखे, और आपके बैक ना, बैक भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखे। पर अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो, थोड़े से चबी हो, गोलू मोलू हो, तो फिर आप थोड़े से लूज कुर्ता पहन सकते हो, अगर आप कॉन्शियस हो खुद के बारे में। बट आइडियली ऑलवेज चूज अ कुर्ता विच एनहेंसेज योर फिजिक, अ स्लाइटली टाइटर कुर्ता। अगर आप कुर्ते की शॉपिंग के लिए जा रहे हो ना, एक बार तो अपनी खुद की साइज ट्राई कर लो, और फिर एक छोटी साइज भी ट्राई कर लो, और फिर शीशे में देखो, कंपेयर करो वो दो लुक्स को। मेरा मानना यह है कि ज्यादातर ना आपको टाइट कुर्ते लेने चाहिए अगर आपको सेक्सी दिखना है तो। अगला टिप है, स्लीव को रोल अप कर। भाई देखो, मैं इतना पावरफुल दिखता हूँ ये रोल्ड अप स्लीव्स के साथ। कुर्ते होते हैं एक बहुत ही मैनली पीस ऑफ ड्रेसिंग। इसका मतलब है कि आप ना सच में मर्द की तरह दिखोगे, पर यू शुड ऑलवेज रोल अप योर स्लीव्स, एक्सपोज योर फोरआर्म्स। ये ना ऐड करते कुर्ते की लुक को। देख लो, अभी देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ, और अभी मैं दिखता हूँ बिल्कुल घरेलू। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपको सेक्सी स्टड जैसे दिखना है ना, रोल अप योर स्लीव्स। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टिप, पैंट्स, लोअर्स। कुर्ते के साथ आपको क्या पहनना चाहिए? को ये जानना चाहिए कि एक कुर्ते पहनकर ना आपकी लुक एकदम बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द लोअर। मेरा मतलब है ये कुर्ते ना जीन्स के साथ बहुत ही जबरदस्त दिखते हैं, पर जीन्स मेक योर फुल लुक लिटिल बिट कैजुअल। अगर आपको थोड़ा और फॉर्मल बनाना है ना आपकी लुक को, तब आपको पहनने चाहिए चीनोस, और वो भी ब्लैक चीनोस। अगर आपने ब्लैक चीनोस पहन लिया ना, वो ब्लैक चीनोस की बदौलत सब अटेंशन आपके कुर्ते की ओर जाएगी। योर कुर्ता कलर विल पॉप बिकॉज ऑफ द ब्लैक पैंट्स। पर
अगर आपको सच में फॉर्मल दिखना है ना, एकदम घरेलू और संस्कारी और स्टड भी दिखना है ना, तो मेरा मानना यह है कि आपको पजामा या चूड़ीदार पहनना चाहिए आपके कुर्ते के साथ। अगर आप मान लो कॉलेज जा रहे हो तो आप जीन्स पहन सकते हो, अगर आप एक पार्टी के लिए जा रहे हो तो आपको चीनोस पहनने चाहिए, और अगर आप एक पूजा के लिए जा रहे हो या लड़की के पेरेंट्स को मिलने जा रहे हो तो आपको पहनने चाहिए चूड़ीदार। अगला टिप है शूज के बारे में, और मैंने देखा है कि कॉलेज में ना बहुत सारे बंदे कुर्ते पजामे पहनकर जिम वाले शूज पहन लेते हैं। जिम शूज से दूर रहो यार, अगर आपको कुर्ते के साथ शूज पहनने ना तो आपको पहनने चाहिए फॉर्मल शूज, और अगर आपको चप्पल पहनने कुर्ते के साथ वो भी ठीक है, या तो आप सिंपल फ्लिप फ्लॉप्स पहन लो जिस पर लोगो ना हो ना, वो वाले फ्लिप फ्लॉप्स, या अगर आपके पास एकदम बढ़िया वाले इंडियन चप्पल है जैसे कि कोल्हापुरी इस प्रकार, तो वो भी बहुत ही जबरदस्त दिखेंगे एक कुर्ते के साथ एक चूड़ीदार के साथ। बट द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी इज इंडियन फॉर्मल शूज। अगर आपने इंडियन फॉर्मल शूज पहन लिया ना कुर्ते के साथ, तो यार आपकी फॉर्मल लुक भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आप एकदम सेक्सी भी दिखोगे और आप एकदम किंग जैसे दिखोगे। ये है मेरा मानना, ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल इंडियन शूज व्हेन यू आर वेयरिंग अ कुर्ता पजामा। बट अगर आपके पास फॉर्मल इंडियन शूज नहीं है तो ठीक है, बेसिक चप्पल विदाउट अ लोगो विल ऑलवेज बी द बेस्ट। अगला टिप, अगर आपको कुर्ता पहन के स्टैंड आउट करना है ना, इंडियन क्लोथ पहन के स्टैंड आउट करना है ना, तो आपको पहनने चाहिए नेहरू जैकेट। ये ऐसे स्लीवलेस जैकेट होते हैं जो कुर्ते के साथ बहुत ही जबरदस्त दिखते हैं। अगर आप शादी के लिए जा रहे हो या कोई बड़ी फंक्शन के लिए जा रहे हो एंड यू वांट टू स्टैंड आउट एज द बेस्ट ड्रेस गाय, इफ यू वांट टू ड्रेस वेल, एम्ब्रेस द नेहरू जैकेट। नेहरू जैकेट का एक ही रूल है कि अगर आप एक जैकेट पहन रहे हो ना, तो वो जैकेट का कलर बहुत ही सैचुरेटेड होना चाहिए। मेरा मतलब है कि डीप कलर वाला जैकेट होना चाहिए, और उसके अंदर जो कुर्ता है ना वो एकदम अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लाइट कलर का कुर्ता होना चाहिए। यही होता है नेहरू जैकेट का रूल, लाइक इन दिस केस। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आप नेहरू जैकेट पहन रहे हो ना, तो फिर से उस पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है, और उस पर ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं होने चाहिए। द नेहरू जैकेट लुक शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। ज्यादा लाउड नेहरू जैकेट मत पहनो, वो बहुत ही अटेंशन सीकिंग हो जाता है। अगला टिप है वॉचेस, घड़ियां। एक ही रूल है, अगर आपको घड़ियां पहननी है ना, तो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स वॉचेस एंड डिजिटल वॉचेस। अगर आपको मेटालिक वॉचेस पहनने ना अपने कुर्ते के साथ, तो फिर भी ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मल हो जाती है आपकी लुक। बट द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज लेदर स्ट्रैप्ड वॉचेस, लाइक इन दिस केस। हमेशा ना आपके लेदर का टोन मैच करो अपने कुर्ते के साथ। ये देखो, ये लाइट टोन कुर्ता है, एकदम लाइट लुक है, लेदर भी लाइट कलर की है। पर अगर आप एक डार्क टोन लुक पहन रहे हो तो आपका लेदर भी डार्क होना चाहिए। और एक बोनस टिप है कि अगर आप वॉच पहन रहे हो ना कुर्ते के साथ, तब यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ गोल्ड थीम्ड वॉच। ये देखो, गोल्ड मेटल है यहाँ, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्लासी लग रहा है। और एथनिक वेयर, ट्रेडिशनल वेयर का फाइनल रूल है ये, ड्रेस फॉर ओकेजन। अगर आप कॉलेज जा रहे हो ना, तो बिल्कुल आपको एक्सपेंसिव कुर्ते एक्सपेंसिव वॉचेस नहीं पहनने चाहिए, आपको बेसिक कुर्ता पहनना चाहिए जो आपको बाजार में मिल जाएगा। बस यही रूल्स फॉलो कीजिए, ज्यादा धमाकेदार पैटर्न वाला कुर्ता मत पहनिए, सिंपल कुर्ता पहनिए। पर आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप शादी के लिए जा रहे हो, तब आपको पहनने चाहिए थोड़े से लाउड कुर्ते, लाउड शेरवानी, वो सब, यू नो, थिंक लार्जर देन लाइफ, डोंट वेयर अ सिंपल कुर्ता टू अ शादी। एक और चीज, अगर आप पूजा के लिए जा रहे हो, कोई भी धार्मिक फंक्शन के लिए जा रहे हो, तब आपको डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए। हमारी जो ओल्डर जनरेशन है ना इंडियंस की, दे ऑलवेज कंसिडर डार्क कलर्स नॉट गुड फॉर पूजास। पर अगर आप एक पार्टी के लिए जा रहे हो, तब आप डार्क कलर्स पहन सकते हो। ये छोटे मोटे रूल्स ना ध्यान में रखो, अगर आप कुर्ता पहन रहे हो ना, तब यू शुड रिमेंबर ऑल दीज देसी इंडियन रूल्स। चलो, ये था हमारा वीडियो ऑन इंडियन वेयर, ट्रेडिशनल वेयर। अगर आपको मजा आया तो थम्स अप दे दीजिए। मेंस स्टाइल के बारे में और जानना है ना, तो हिंदी मेंस स्टाइल प्लेलिस्ट देख लीजिए, सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबादिया चैनल, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली भाइयों, शेयर ऑन व्हाट्सएप एंड शेयर चैट। नमस्ते, अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू लोड्स।